हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अवी। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमोन स्मिथ रिएक्शन विद देयर मैकेनिज्म। सो स्टार्ट करते हैं, सिमोन स्मिथ रिएक्शन क्या है पहले ये जान लेते हैं। सिमोन स्मिथ रिएक्शन है असिमेट्रिक रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग यूज करते हैं कार्बीन, और कार्बिनोइड कंपाउंड ऐड करते हैं, किसमें अल्कीन एंड अल्काइन कंपाउंड में ऐड करते हैं। अल्कीन एंड अल्काइन में ऐड करके हम लोग क्या बनाते हैं, साइक्लोप्रोपेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइक्लोप्रोपेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा डबल बॉन्ड है, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे कार्बीन, डेट इज CH2 ऐड करेंगे। CH2 जैसे ही ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा, हम लोग का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रोपीन बन जाएगा, साइक्लोप्रोपीन प्रोपीन। इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे हम लोग डाई आयोडो मीथेन विथ जिंक कॉपर कपल। इसके अंदर हम लोग का जो प्रिपेयर होगा जिंक एंड एक्टिव कॉपर। जो हम लोग का कंपाउंड है वो दो टाइप से अटैक होगा। अगर मेरा अल्कीन या फिर अल्कीन जो है सिस रहेगा, अगर अल्कीन मेरा सिस रहेगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी सिस रहेगा, सिस साइक्लोप्रोपेन। और अगर मेरा ट्रांस रहेगा अल्कीन, तो प्रोडक्ट भी क्या बनने वाला है, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन। मतलब ये चीज़ ध्यान दो, अगर सिस रहेगा कंपाउंड तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा और ट्रांस रहेगा तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी कब बना ये हम लोग का ये जो सिमोन स्मिथ रिएक्शन है ये आया हम लोग का 1958 में आया, जिसको बनाया हम लोग का सिमोन एंड स्मिथ, इन दोनों ने मिलके बनाया, इसको पब्लिश किया फर्स्ट टाइम हम लोग के साइंटिफिक जर्नल में। देखते हैं इसका रिएक्शन। तो सबसे पहले आप रिएक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है अल्कीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड, इसके अंदर हम लोग ने ऐड किया जिंक कॉपर कपल, एंड ऐड किया है आयोडोमीथेन, डाई आयोडो मीथेन। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये CH2 क्या हो जाएगा, इधर अटैच हो जाएगा और बनाएगा साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लोक प्रोपेन बन जाएगा यहाँ पे। जिंक आयोडाइड निकल जाएगा और कॉपर मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा, एक्टिव कॉपर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये हम लोग का क्या था रिएक्शन, सिमोन स्मिथ रिएक्शन का। एक दो एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। जैसा कि सिस और ट्रांस की बात किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कीन जो है वो अटैच है CH3, दोनों सिस साइड में अटैच है। मतलब दोनों एक ही साइड अटैच है, तो इसको बोलते हैं सिस। अगर इसके अंदर मैं रिएक्शन करूँ, हम लोग डालेंगे अगर जिंक जिंक वाला मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, ये हम लोग का बन जाएगा CH1.2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और अगर मैंने कंपाउंड डाइथाइल साइक्लोप्रोपेन, और अगर मैंने बनाया क्या लिया, ट्रांस कंपाउंड लिया, ट्रांसब्यूटेन लिया, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट भी बनेगा वो क्या बनेगा, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कैसा, ट्रांस वाला। ट्रांस वाला मिलेगा। तो मतलब अगर सिस कंपाउंड यूज़ करेंगे हम लोग तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सिस बनेगा, और अगर हम लोग ने ट्रांस प्रोडक्ट यूज़ किया तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने यूज़ किया साइक्लो हेक्सीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिस कंपाउंड है, तो इसके अंदर अगर हम लोग ने ऐड किया मिथाइल डाई मिथाइल आयोडाइड डाईथाइल डाई आयोडो मीथेन और जिंक कॉपर कपल, तो होगा क्या, हम लोग का कार्बीन अटैच हो जाएगा और साइक्लिक रिंग बनाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, हम लोग का बाई साइक्लो, देख सकते हैं दो साइक्लिक रिंग है, किए और एक किए, दो साइक्लिक रिंग है, तो नाम क्या आएगा इसका, बाई साइक्लो, कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, तो 4 डॉट, यहाँ पे कितना है, 1, 4 डॉट 1, और तीसरा है कि यहाँ पे है क्या, कोई कार्बन नहीं है, मतलब 0, तो बनेगा बाई साइक्लो 4.1.0 हेप्टेन। हेप्टेन क्यों, क्योंकि 7 कार्बन हो गए इसके लिए हेप्टेन। ये भी हम लोग का क्या था, ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे प्रोपेन टाइप का बन गया क्योंकि ये डबल बॉन्ड से अटैच हुए हम लोग का। इसी टाइप का रिएक्शन होने वाला है इसके अंदर। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं।
तो जैसा कि आप मैकेनिज्म देख सकते हैं, हम लोग ने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड यूज किया तो आयोडीन लिविंग ग्रुप है वो निकलेगा, लेकिन ये जो हम लोग का कंपाउंड है CH2, ये अटैच अटैक करेगा यहाँ पे, जैसे अटैक करेगा डबल बॉन्ड अटैक करेगा CH2 पे, और आयोडीन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो होगा क्या, हम लोग का रिएक्शन के अंदर CH2 अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ओके, CH2 अटैच हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2 अटैच हो गया। कंपाउंड हम लोग का दोनों जो था ग्रुप CH2 R1 R2 सेम साइड है, मतलब सिस कंपाउंड है, तो यहाँ पे हम लोग का बनेगा सिस वाला कंपाउंड बनेगा। अगर ट्रांस रहता है तो ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनता। ओके, और ये जो हम लोग का जिंक आयोडाइड है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग का, एक बार वापस देख लो क्या होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये CH2 अटैक करेगा मेरा यहाँ पे R ग्रुप के पास, अल्काइल ग्रुप के पास, और ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा कहाँ पे, CH2 के पास, और आयोडीन लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ सिमोन स्मिथ रिएक्शन। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इसका यूज किया जाता है। एक तो ये हम लोग का क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर अ यूज ऑफ हाई हजार्डस डाइजोमीथेन, मतलब इसके अंदर डाइअजोमीथेन कंपाउंड का यूज नहीं किया जाता, बिकॉज वो क्या हम लोग का हाईली हजार्डस कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। सेकेंड थिंग, इससे हम लोग इसके अंदर क्या लेते हैं, हम लोग विथ अल्काइन कार्बोनिल अल्कोहल ईथर ये सब में ये रिएक्शन हो सकता है इजीली। ओके, मतलब ये सारे फंक्शनल ग्रुप को इजीली हम लोग साइक्लिक प्रोपेन टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हम लोग का एडवांटेज था सिमोन स्मिथ रिएक्शन का। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, हम लोग का फार्मास्यूटिकल में ड्रग्स डाइज बनाने के लिए। ओके, फार्मास्यूटिकल में मेडिसिन बनाने के लिए, एंड डाइज इंडस्ट्री में कलर बनाने के लिए। ओके, ड्रग एंड डाइज इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।